हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। आज हम लोग बात करेंगे इशूज़ ऑफ एक्सेस एंड डिटेंशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपके कार्यक्रम D.El.Ed के कोर्स 501 के ब्लॉक 3 का यूनिट नंबर 10.2 है। जहाँ तक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अभिगम्यता एवं अवधारण संबंधी मुद्दे का सवाल है, अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन इस पे जाने से पहले हम देखें कि विशेष आवश्यकता क्या है। तो अगर विशेष आवश्यकता की बात आप करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक एक अस्पष्ट पद है जिसकी कई परिभाषाएं हैं। आखिर किसको आप मानेंगे कि उसको विशेष आवश्यकता है, उसको विशेष आवश्यकता नहीं है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों की परिभाषा एवं श्रेणी प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग है, जो वहाँ के कानून से, वहाँ के एक्ट से प्रभावित होता है, वहाँ के एक्ट पर डिपेंड करता है। परंतु सामान्य अर्थों में विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बालक हैं जिनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताएं सामान्य विद्यार्थी से अलग हैं एवं जिन्हें अधिगम हेतु विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है, जैसे दिव्यांग बालक, मेधावी बालक आदि। जहां तक भारतीय संदर्भ का सवाल है तो भारतीय संदर्भ में दिव्यांग बालकों को मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप UDIS के डेटा की बात करें तो उसके अनुसार अपने देश में कुल विद्यालयों के 1.05% विशेष विद्यालय हैं। भारत में जितने भी विद्यालय हैं उसका लगभग 1.5% विशेष विद्यालय है, जबकि विशेष बालकों की संख्या जो है हमारे देश में वो लगभग 2.6% है। तो 2.6% जनसंख्या को कैटर करने के लिए जो हमारे पास विद्यालय हैं वो मात्र 1.05 हैं, जो इनसफिशियंट हैं। कोशिशें जारी हैं। आइए देखते हैं कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रचलित मॉडल कौन कौन से हैं। तो यूजुअली 3 मॉडल चलते हैं दिव्यांग बालकों की शिक्षा में। एक है विशेष शिक्षा, जहाँ पे कि विशेष रूप से विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उनको विशेष सेटिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है समेकित शिक्षा का मॉडल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के मॉडल में कुछ समय के लिए साथ साथ सीखते हैं सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और बाकी समय जो है वो अपने अपने विशेष प्रशिक्षण में, सामान्य बच्चे सामान्य स्कूलों में, सामान्य विद्यालय में, और विशेष बच्चे अपने विशेष प्रशिक्षण में सीखते हैं। तीसरा जो मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है, वो समावेशी शिक्षा का मॉडल है, जिसमें कि एक ही साथ सभी सामान्य बच्चे भी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी एक ही साथ एक ही सेटिंग में सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो समावेशी शिक्षा का जो मॉडल है वो मानवाधिकार आधारित मॉडल है और पूरे विश्व में आज की तारीख में समावेशी शिक्षा का ही प्रचलन है। आइए एक बार सेंसस का डेटा देखें। जनगणना 2011 की बात करें अगर, तो संपूर्ण भारत में लगभग 2.21% व्यक्ति दिव्यांग हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुल जनसंख्या का 2.21% लगभग 2,68,10,557 लोग जो है वो भारत में दिव्यांग हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उनका मेल फीमेल का रेशियो क्या है, उनका रूरल अर्बन का रेशियो क्या है। अगर परसेंटेज की बात करें हम तो लगभग पूरी जनसंख्या का 2.2% दिव्यांग है, जिनमें 2.41% मेल्स हैं और 2.01% फीमेल्स हैं। इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि डिसेबिलिटी का प्रिवेलेंस जो है अदर कैटेगरीज की बजाय शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा पाया गया है, 2.45% टोटल पर्सन्स ऑफ शेड्यूल कास्ट ये लोग जो है दिव्यांग हैं। दिव्यांगता पे बात करने से पहले या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर बात करने से पहले, समावेशी शिक्षा पर बात करने से पहले आइए एक बार देखें कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो तय करता है वो उस देश का, पार्टिकुलर देश का कानून तय करता है। तो हमारे यहाँ जो विशेष आवश्यकता से जुड़ा हुआ कानून बना था, एक 1995 में आया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995, उसमें लगभग 7 प्रकार की विशेष आवश्यकता का वर्णन था। और दूसरा जो कानून आया वो 2016 में आया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, निःशक्त जन अधिकार कानून। इन दोनों कानूनों के बाद बहुत सारे परिवर्तन आएंगे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संख्या में, चूँकि पहले 1995 में निःशक्त जन कानून में 7 प्रकार के विशेष आवश्यकताओं का वर्णन था, जबकि 2016 में इसको बढ़ा करके 21 प्रकार की विशेष आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है।
आइए देखें कि दोनों कानूनों में कौन कौन सी दिव्यांगता शामिल है, कौन कौन सी विशेष आवश्यकता के बालक शामिल हैं। अगर आप 1995 के कानून की बात करें तो उसमें लगभग 7 प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी, जिसमें दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति और अस्थि विकलांगता। ये 7 प्रकार की विशेष आवश्यकताएँ परिभाषित की गई थी हमारे कानून में। लेकिन निःशक्तजन कानून 2016 आने के बाद ये बढ़ करके 21 हो गई हैं, जो पिछले 7 आपने देखे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 7 तो हैं ही। इसके अलावा 14 नई दिव्यांगताएँ जोड़ी गई हैं, जिनमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, वाणी एवं भाषा अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, बहुविकलांगता, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज। ये 14 नए दिव्यांगता की श्रेणी जोड़ करके इसे 21 कर दिया गया है। तो आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी जो बढ़ करके 21 हो गई, और ये पहली बार है जब इतना व्यापक कानून भारत में आया है। चूँकि इसमें 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज, ये 3 ब्लड डिसऑर्डर्स को भी शामिल किया गया है जो व्यक्ति के जीवन को बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इस निःशक्त जन अधिकार कानून की कुछ मुख्य बातें देख लें एक बार, कि इसमें समाहित निःशक्तता को बढ़ाकर 7 से 21 कर दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी नई निःशक्तता को नोटिफाई कर सकती है जब भी सरकार चाहे। इस कानून में यही प्रावधान है कि 6 से 18 वर्ष तक के सभी निःशक्त बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और सरकारी नौकरियों में जो इनका आरक्षण पहले 3% था, उसको बढ़ा करके अब 4% कर दिया गया है। समस्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी सार्वजनिक भवनों को तय सीमा के अंदर निःशक्त जन हेतु सुगम किया जाना सुनिश्चित किया गया है। निःशक्त जन के अभिभावक के निर्णय में निःशक्त जन की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। केंद्र स्तर पर मुख्य निःशक्त जन आयुक्त के साथ 2 आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाहकार समिति का प्रावधान है। निःशक्त जन सहायता हेतु केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय फंड के निर्माण का प्रावधान है, और प्रत्येक जिले में निःशक्त जन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय का प्रावधान है। साथ ही प्रत्येक 5 साल में, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर में है, वो ये है कि प्रत्येक 5 साल में स्कूल जाने वाले बालकों में निःशक्तता की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। इस संदर्भ में आपको ये भी बताते चलें साथ साथ कि ये पहली बार था जब 2011 की जनगणना में अक्षमता पर आधारित जनगणना की गई है कि कितनी प्रकार के अक्षमता के लोगों की कितनी जनसंख्या हमारे देश में है। ये पहली बार 2011 की जनगणना में ही संभव हो पाया है, इससे पहले नहीं हो पाया था। आइए देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि आपने जाना, अपने देश के कानून के अनुसार 21 प्रकार की विशेष अक्षमता वर्तमान में आपके सामने है। तो सबसे पहली जो बाधा है इनकी शिक्षा में, वह है नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति। अभिभावकों की एक अभिवृत्ति है नकारात्मक, कि वो अपने अक्षमता युक्त बच्चे को समाज के सामने, दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाना नहीं चाहते, या वो मानते हैं कि ये क्या कर पाएगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये कभी भी प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बन सकता। तो हालांकि धीरे धीरे इस में जागरूकता आई है और अभिभावक जो है अपने अक्षमता युक्त बच्चों को समाज के सामने लाने भी लगे हैं, विद्यालय भी भेजने लगे हैं, फिर भी अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति जो है उनकी शिक्षा को रोकती है, उनकी शिक्षा को निषिद्ध करती है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में बाधा है, वो सुगम्य भवन एवं वातावरण की अनुपलब्धता है। अभी तक, हालांकि इसका प्रावधान निःशक्त जन अधिकार कानून में भी 1995 में भी था कि समस्त सरकारी भवनों को निःशक्त जनों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक हम सरकारी भवनों की सुगम्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये लक्ष्य हमसे दूर है। अभी भी बहुत सारे सरकारी भवन, बहुत सारे विद्यालय सुगम्य नहीं हैं, और वहाँ पे एक अक्षमता युक्त बालक जो है उसे बहुत असुविधा होती है। जैसे अगर उसकी क्लास छत पे हो, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, और वहाँ पे जाने के लिए न तो लिफ्ट हो और न ही वहाँ पे रैंप हो, तो ऐसे में समस्या ये आती है कि बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाना छोड़ देता है, हर रोज़ वो इन परेशानियों का सामना करता है। इसके अलावा तीसरी समस्या जो है, तीसरी बड़ी बाधा जो है, वो है विद्यालय में विशेष शिक्षकों का अभाव।
कानून पास कर दिया है सीबीएसई ने, सीबीएसई ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 2 विशेष शिक्षक रहने चाहिए, लेकिन अभी तक 2 तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी विशेष शिक्षक नहीं है। माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति, कई बार माता पिता बच्चे के प्रति बहुत नेगेटिव होते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि मेरे बच्चे में ऐसा क्यों आया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद अपने उस डिप्रेशन में बच्चे के कल्याणार्थ उसको एजुकेशन के लिए भेजने में, उसको शिक्षा के लिए भेजने में, उसको विद्यालय में भेजने में कतराने लगते हैं। उपयुक्त नीतियों का अभाव, उपयुक्त नीतियों का अभाव बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं, विद्यालय पहुँच पा रहे हैं तो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नीतियाँ हैं वो क्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं अच्छे से। हमें आवश्यकता है कि हमें अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीतियों को बनाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सुनिश्चित कराएं। विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव, जैसा कि आपने देखा अभी कि 21 प्रकार की विशेष आवश्यकता है, तो विद्यालय से अपेक्षित है कि इन 21 प्रकार के विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास उपयुक्त संसाधन हो। ऐसे में मान लीजिए कि किसी विद्यालय में अगर एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए वहाँ पर ब्रेल में लिखी किताबें होनी चाहिए, वहाँ पर उसके लिए ब्रेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे उसे मोबिलिटी डिवाइसेज के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, या अगर एक हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो वहाँ पे उसके अनुरूप असिस्टिव डिवाइसेज होनी चाहिए और अदर रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो उनके माध्यम से सीख सके, समझ सके। लेकिन आज की तारीख में हमारे जो विद्यालय हैं, कुछ विद्यालयों को अगर छोड़ दें तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं उनमें इन संसाधनों का सर्वथा अभाव है, और इस वजह से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्याप्त प्रगति अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही कई बार ये देखा गया है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा में माता पिता जो है उनका स्कूल में नामांकन तो करवा देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, जैसे घर पर आकर के उसका फॉलोअप न करना, या वो पढ़ता है तो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है छोड़ देना, ये सारी चीज़ें भी एक समस्या हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षित होने में रोकती हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी अति आवश्यक है। अगर माता पिता उसकी शिक्षा में भागीदार नहीं होंगे तो वो बच्चा न तो तेज़ी से सीख सकेगा और न ही वो विद्यालय जाने में रुचि लेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायता सेवाओं का भी अभाव है हमारे विद्यालयों में, और विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का भी अभाव है। एक आखिरी बड़ा कारण जो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा के रूप में, वो है यातायात के साधनों का सुगम्य न होना। हमारे यहाँ हमने अभी तक बहुत प्रयास किए लेकिन हमारे यातायात के साधन जो है वो सुगम्य नहीं हो पाए हैं, अभी भी वो आसानी से एक दिव्यांग बालक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, लो फ्लोर की बसें चलाई गई हैं जो डिसेबल फ्रेंडली हैं, लेकिन अभी इसमें और प्रयास करने की ज़रूरत हमें है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हमने जो चर्चा की कि एक सामाजिक बहिष्कार या समाज से अलग काट देना, दूसरा पुअर फंडिंग, जितना फंड चाहिए उतना गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, या उतना सोसाइटी से या अदर सोर्सेज से उतना फंड नहीं आ पाता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा इम्प्रूव हो सके, फिर लैक ऑफ एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, सुगम्य सूचना का अभाव, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन जैसा अभी हमने चर्चा किया, लैक ऑफ इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, व्यक्तिगत सहायता की कमी, फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी, भवनों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुगम्य न होना, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बाधा हैं। आइए एक बार देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो किया जा सकता है, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है यूनिवर्सल डिज़ाइन, सार्वभौमिक डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है भवनों की, ताकि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो या गैर दिव्यांग बालक हो, सबके लिए भवन के सारे कमरे सारी बेसिक एमिनिटीज एक्सेसिबल हों। दूसरा है टीचर और पीयर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि उनकी विशेष आवश्यकता को कैसे पूरा करें, उनके साथियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वो कैसे अपने साथी को सपोर्ट करें। सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, एक और जो महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है ये है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज करें, उनको संवेदनशील बनाएं,
साथ ही आईसीटी का प्रयोग बढ़ाते हुए हमें ये देखना होगा कि कैसे हम आईसीटी का सपोर्ट देते हुए उन्हें सिखाने में मदद करें, सीखने में मदद करें। और जो एक और आवश्यकता है वो है इंडिविजुअलाइज नीड बेस्ड अप्रोच की, कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिए। जैसा कि हमने इसे पीछे भी चर्चा की कि विद्यालय भवनों का सार्वभौमिक डिजाइन अगर तैयार किया जाए तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अभिगम्यता एवं धारणा को, उनका एक्सेस और उनका रिटेंशन स्कूल में बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सामाजिक जागरूकता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। माता पिता को दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि आप अपने दिव्यांग बालकों की शिक्षा में आगे आएँ, बढ़ चढ़ के रुचि लें, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा और समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाएगा। सभी विद्यालयों के भवनों की सुगम्यता सुनिश्चित करना। विद्यालय में कम से कम सुगम्यता की आवश्यकता तो है ही, जब तक विद्यालय के भवन सुगम्य नहीं होंगे तब तक दिव्यांग बच्चा स्कूल कैसे जा पाएगा और वहाँ जा करके वो फ्री मोबिलिटी कैसे कर पाएगा। और अगर ये संभव नहीं है तो विद्यालय में उसका पार्टिसिपेशन जो है या तो नहीं होगा, या अगर नामांकन करा भी दिया जाए तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। साथ ही हमारे पूरे भारत में विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की बहुत कमी है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे विशेष शिक्षकों का अभाव है, तो सभी विद्यालयों में CBSE के निर्देशानुसार या जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके निर्देशानुसार उपयुक्त मात्रा में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसमें एक और चीज़ आती है कि विशेष विद्यालय, हमारे यहाँ विशेष विद्यालय भी चल रहे हैं और वो अस्तित्व में हैं, तो ऐसे में हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो विशेष विद्यालयों को बंद तो कर नहीं सकते। अगर बंद नहीं कर सकते तो ऐसे में विशेष विद्यालयों के अनुभवों का फ़ायदा सामान्य विद्यालय उठा सकते हैं और विशेष विद्यालयों का संसाधन के रूप में यूज किया जा सकता है। अन्य जो प्रयास किए जाने की ज़रूरत है ताकि अभिगम्यता एवं उदाहरण जो विशेष बालकों का वो बढ़ाया जा सके, वो है कि सामान्य अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जाए, शिक्षण में विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षकों को सिखाया जाए, बताया जाए, विशिष्ट बालकों के लिए सहायक उपकरणों एवं सहायक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और दिव्यांग बालकों के लिए व्यक्तिगत सहायता का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक विद्यालय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।